के बाद सर्कल का बहुत अच्छा एरिया, डार्क हैवन नॉक हो सकते हैं, डीएसएल भी टेकन डाउन, इंस्टेंटली फिनिश करने की कोशिश जरूर है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया लेकिन रीलोड पर चले गए इस समय के लिए। अब रैंडम बीच में शॉट्स दिए जाएंगे, एक गोली लगने की दरकार रहेगी लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनको फिनिश अभी के लिए किया गया। अब थ्रोएबल्स के ऊपर आ जाते हैं एंड टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, टीएसएम एफटीएक्स के पास बहुत अच्छा घर है, ये घर इनको अगला जोन भी होल्ड करवा सकता है इफ दे प्ले देयर कार्ड्स राइट। बट द नेड ऑफ शैडो एक्चुअली टेक्स डाउन टू प्लेयर्स, सांगवान को वहां पर नॉक किया जाएगा और वापस पीछे आएंगे। दिस गाय इज बिकमिंग अ स्मूथ क्रिमिनल, सोचिए जाते हैं उनका स्मोक उन्होंने अपनी हेल्प के लिए बनाया था बट नेड्स इफेक्ट करेंगे वो स्प्लैश डैमेज, नेड्स का एक और पिक यहां पर लेकर के जाता हुआ, दिस लैड इज गोइंग फॉर अ नेड परेड। सांगवान फिनिश, आइकॉनिक नॉक बट अक्षय आइकॉनिक का किल ले लेते हैं। इस समय बहुत मुश्किल हो चुकी है ग्लोबल स्पोर्ट को, बट टीएसएम एफटीएक्स हुआ है जिन्होंने फाइट शुरुआत करी, प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं, वो पीछे से आने वाली 8 बिट की टीम को बहुत मुश्किलों में डाल सकते हैं। देखिए ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से सात टीमें बची हैं, 20 लोग जीवित हैं, ये 20 लोग अपनी अच्छी फाइट्स तो बना रहे हैं लेकिन सोचिए कितना कंस्टिट्यूटेड हो चुकी है फाइट, कितना कंस्टिट्यूटेड सॉरी हो चुकी है फाइट, और वो भी सातवां सर्कल जो आएगा वो ओपन एरियाज में जाएगा, ओपन ग्राउंड में जाएगा, तो मुश्किल है। जॉर्डन गिर के नॉक हो चुके हैं, जॉर्डन गिर के नॉक होते हैं और सामने यहाँ पे जोनाथन उनके दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर देते हैं। अभी मार्कोस गेमिंग की बात करें, रौनक आखिरी प्लेयर बचे हैं जो थोड़ा सा पीछे रुक के बैकअप देने की कोशिश कर रहे थे बट उनके जो सामने प्लेयर गए हैं दोनों यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्लच गॉड का एक नेड आएगा, मार्कोस गेमिंग के विस्गॉड को भी खत्म करेगा, रौनक जो आखिरी प्लेयर बचे हैं मैं देखना चाहूंगा क्या वो एडवांस करते हैं। जोनाथन देखिए कल भी हमने यही बात करी थी, इफ यू डोंट बाय द टिकट यू वोंट विन द लॉटरी, एंड कल भी जोनाथन ने इसको प्रूव किया था स्मोक के अंदर स्प्रे देके और आज भी वैसा ही स्प्रे यहाँ पे देते हैं। एक और प्लेयर एक एचपी साथ बचे हुए रौनक सर वाइप करते नजर आ रहे थे बट ओजी के बिलीव आर ब्लास्ट में रौनक को भी टेक डाउन करते नजर आएंगे आपको। Jonathan does not need a ticket, right? This guy is the lottery. अगर कोई इनको पिक कर लेता है, otherwise this guy goes on a jackpot every time when he plays. देखिए, पिक्स वो निकालते नजर आ रहे थे, but खैर यहाँ पर ORK players भी थे। गिल को फिनिश किया जाएगा, उसी के साथ साथ हमारे पास तीन टीमें बची हैं, तीन टीमें जिसमें TSM FTX है, तीन टीमें जिसमें हमें टीम टपाटप नजर आ रही है एंड साइड लाइन पर अगर आप देखें वहां पर हमें और भी यहाँ पर थोड़ी सी फाइट होती नजर आती है लेकिन ऐसा लगता है कि मेन फाइट जो कंस्टिट्यूट है वो दो टीमों के बीच में, क्योंकि स्काईलाइट के रौनक अपनी आखिरी फर्स्ट स्टेट पर आ जाएंगे। He does get his team to top 3, which is important. But इस समय जोनाथन निंजा को पिक करते नजर आएंगे। Last first state has been put up और इस समय kills पिक करने का समय आ चुका है रौनक के लिए। अगर वो kills निकाल सके, दो finishes हैं इस team के पास। Will he go for more? No, he does not. He gets out. It's a 4v3 situation in team Tapatap versus TSM FTX, जिसमें दो players बचे हैं। Blaze को भी spot किया जा चुका है। Is it going to be a nade parade from him now? Looks like it. Looks like it. Blaze, watch your back. Well, it does. और वो अपने आप को सेफ एरिया पर पाएंगे। लेकिन क्लच गॉड को देखिए, नेड्स किए जा रहे हैं। अगर जोनाथन की तरफ से क्लच गॉड आगे जाते हैं, वॉच योर बैक क्लच गॉड, उनके पैकेट से प्लेयर्स मूव करते नजर आए, उनको फिनिश किया जाएगा यहाँ पर नॉक करके। अगर वो पिक्स उठाने हुए, व्हाट TSM FTX विद अ ब्रिलियंट सेकंड डिनर, व्हाट जस्ट हैपेंड देयर, TSM FTX वेंट देयर, they just blew everyone, they just killed